तो बेटे स्टीरियो वी स्टार्टेड विद ब्यूट टू ई यस्टरडे। ठीक है, तो हमने देखो स्ट्रक्चरल में ये देखा था कि जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाया दैट वाज सेम, स्ट्रक्चर ही डिफरेंट थे, कोई चेन थे, किसी का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट था, किसी की फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट थी, किसी की इधर साइड अल्काइल ग्रुप डिफरेंट था। तो मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट डिफरेंस आ रहा था। इन स्टीरियो आइसोमर्स आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है और स्ट्रक्चर भी सेम है, मगर स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट है। ठीक है, मींस आपके दोनों सेम है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, कार्बन भी उतने है, हाइड्रोजन भी उतने हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर भी वही, ब्यूट टू ही नहीं है, ब्यूट वन ही तो मैंने किया नहीं है, ब्यूट टू ही नहीं रखा है। ठीक है, मींस इन स्टीरियो व्हाट वी आर सेइंग, हम ये देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है। तो फर्क क्या है कि हमने स्पेस में, ज्योमेट्रिकल में हमने स्पेस में एटम्स की चेंज करी। स्पेस में बेटे एटम की चेंज करी, यही करिया। कोई फॉर्मूला में चेंज है, ब्यूटुइन है, ब्यूटुइन है। कोई नंबर ऑफ एटम में, स्ट्रक्चर में चेंज है, नो। तो स्टीरियो में किस में चेंज है, कभी हाइड्रोजन ऊपर जा रहा है, कभी CH3 नीचे आ रहा है, दैट इज अ स्पेस। दिस काइंड ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आर नोन एज बेटे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इन दिस अकर व्हेन देयर इज, कहते हैं जी, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड होती है। ठीक है, अगर हम फर्दर जब हम एल्कीन पढ़ेंगे ना तो डिटेल में आपको समझाया जाएगा। अभी आपको इसको ये समझो कि देखो ये एक सिग्मा बॉन्ड है और ये एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कैसे बना, पाई बॉन्ड ऐसे बना था, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल में बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, इसका मतलब ये जो बॉन्ड है ये तो ऐसे ही है, इस बॉन्ड को आप अपनी जगह से हिला नहीं सकते। आप क्या कर सकते हो, ये बॉन्ड है, आप इन जो एटम्स है वो ऊपर या नीचे लेके जा सकते हो। कार्बन अपनी पोजीशन पे ही है, कार्बन को नहीं मूव कर सकते क्योंकि डबल बॉन्ड आने के कारण जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गई, वो हिल नहीं सकती। ये चीज बिल्कुल नहीं हिल सकती, सिर्फ ये अपनी पोजीशन से हिल सकती है, ऊपर लगा दोगे या नीचे लगा दोगे। अब जब स्मॉलर ग्रुप एक ही साइड पे आ जाते हैं, ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कम है और इनका ज्यादा है, ज्यादा है ना, इनको बिगर ग्रुप मान लो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये क्या है, मिथाइल है, और ये क्या है, हाइड्रोजन है। जब सेम साइड पे आ जाते हैं तो हम टर्म यूज करते हैं बेटे सिस, क्या यूज करते हैं, सिस। तो ये सिस ब्यूट टू इन हो गए। ठीक है, जब बेटे सेम, ये सेम है हाइड्रोजन, इधर सेम अल्काइल ग्रुप है, या बड़े बड़े ग्रुप सेम है, ठीक है, तो ऐसे को बोला जाएगा सिस, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ज्यादा होगा। ट्रांस किसको बोला जाएगा, जब ये बड़े वाले वाले ग्रुप ऑपोजिट साइड पे आ जाएंगे, दैट इज ट्रांस। तो इसको क्या बोलोगे, दैट इज ट्रांस ब्यूट टू ई। ठीक है, ट्रांस ब्यूट टू ई, हम NCERT लेवल तक बेटे इसको सिस या ट्रांस बोलते हैं। जब आप JEE और नीट की तैयारी करना शुरू कर देते हो आप सीखते हो ई और जेड नॉमेनक्लेचर। ई और जेड आपकी यहाँ पे स्कूल लेवल पे नहीं आता, मगर ई और जेड होती है एंटेगन और जुजैमन, ये जर्मन वर्ड्स हैं। ई और जेड, जेड मीन्स टुगेदर, ई मीन्स डिफरेंट, इसी को ही कितने बच्चे हैं, हाँ एक ही आज। जब सेम साइड पे है इसे बोलेंगे ई ब्यूटी, जेड ब्यूटीन, जैमन मीन्स टुगेदर। और जब डिफरेंट साइड पे होता है तब इसी को कहना शुरू कर देते हो आप ई, या आप एक्स्ट्रा पढ़ना अपनी तरफ से। ठीक है, अब सिस और ट्रांस समझो, सिस क्या है बेटे सेम साइड पे, ट्रांस क्या है ऑपोजिट साइड पे। ठीक, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ब्यूट टू इन में देखेंगे,
अगर मान लो आपका पेंट टू इन है, जस्ट ड्रॉ पेंट टू इन, ड्रॉ इट पेंट टू इन, हरी अप। जब तक आप सेल्फ ड्रिलिंग करनी नहीं सीखते और टेंथ की जैसे स्पून फीडिंग नहीं छोड़ते तो आपसे जेई नहीं होनी। किसी के बैग में फोन होगा तो बेटे आप भी फोन के साथ ऑफिस में ही होंगे। ठीक है, अब पेंट टू इन बनाओ। बना लिया, इसका इसका सिस ट्रांस बना के देखो। ड्रॉ पेंट टू इन एंड ट्राई टू मेक सिस ट्रांस। अब ये डबल बॉन्ड है, पहले तो डबल बॉन्ड बना दो, बन गया। अब ये इसके पास दो एच हैं, इधर भी एक एच ड्रॉ करो, इधर भी। इसके पास कौन सा ग्रुप बचा? मिथाइल। इसके पास कौन सा ग्रुप बचा बेटे? ये कौन सा बन गया? सिस। ठीक, कौन सा बन गया? सिस। अब ट्रांस बनाओ अपने आप। हरी अब ठीक है, अब ऐसे ही हेक्स टू इन का बनाओ। हरी अब ना, हेक्स थ्री इन बनाओ, थ्री इन बनाओ। हेक्स थ्री इन बनाओ, चलो हरी अप। हमें हेक्स थ्री इन नहीं बनाना। स्टैंड अप, लास्ट देयर, इधर आया। नहीं आपको नहीं, जतिन सिट डाउन। हाँ जी, आप लास्ट। बैठा रहे यहाँ। हाँ जो बेटे, आज मैंने देखने क्या कर रहे हो आप ना, मैंने देखने क्या हो रहा है, जल्दी आ जाए इधर। अरे आप कम यार ना, बैग नहीं लेके आना, सिर्फ नोटबुक लेके आ जाओ। जपन जोत या आओ। पीछे देख, अभी पीछे देखिए इसकी नोटबुक में। हाँ, इसकी नोटबुक में देखिए। नहीं, आप कह रहे हो? हाँ मैं कह रही हूँ, सच्ची देख। तब भी थाइली है, मगर आपने लिंकेज सी एच टू के साथ दिखानी है, बस ये थाइली है दोनों, सही है बिल्कुल। तो व्हाट इज हेक्सथ्रीन? दिस इज हेक्सथ्रीन। ओके, जब हमने सिस बनानी है तो हमने ये वाले एच, हमने ये पहले पकड़ लेना है इसको। अब इसके राउंड हमने देखना है क्या क्या लगा हुआ है। ठीक,
तो C डबल बॉन्ड C के अराउंड एक H, एक इथाइल, तो ये H हो गया, ये आपका क्या हो गया बेटे, इथाइल, और ये H हो गया, तो ये क्या हो गया, ये मैंने क्या बनाया, सिस। अब बनाओ ट्रांस, ट्रांस में क्या करोगे आप, ठीक है, नाउ दिस इज ट्रांस, ट्रांस बेटे ऑपोजिट साइड पे, ये देखो ये बड़ा ग्रुप है ना, ये भी बड़ा है, क्रॉस बन रहा है, एक्स ट्रांस, सेम साइड पे जब लगे हो, छोटे छोटे सेम, बड़े बड़े सेम, तो दैट इज अ सिस। ट्रांस मींस ऑपोजिट, जैसे ट्रांसवर्स आप बनाते हो इन मैथ, वो बेटे पोलैरिटी है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, हम सब स्टडी करेंगे, आप आगे आने दो, हाइड्रोकार्बन्स। सेम होना जरूरी नहीं होता, सिर्फ मॉलिक्यूलर मास, हाई, आपने ये देखना होता है कि हाई मॉलिक्यूलर मास के सेम साइड हो, और दोनों में से जो लो मॉलिक्यूलर मास के वो सेम साइड पे हो। ग्रुप बेटे सेम होना जरूरी नहीं होता सिस ट्रांस में, कि इधर भी इथाइल है तो इधर भी इथाइल है, ठीक है, आपने ये देखना है कि अगर यहाँ पे कोई बड़ा ग्रुप लगा हुआ है और इधर भी बड़ा है, तो सेम मॉलिक्यूलर मास, मतलब मॉलिक्यूलर मास चाहे सेम ना हो, मगर लार्ज मॉलिक्यूलर मास दो को कंपेयर करो वो सेम होने चाहिए, ठीक है, और जो कम वाले वो सेम होने चाहिए, होते हैं सिस। जब ये वाले ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं वो जाता है ट्रांस, जैसे हमने पेन, तभी भी तो मैंने पेन टू इन आपको करवाया, पेन टू इन में आपने एक मिथाइल लिया और एक तरफ इथाइल लिया, जब मिथाइल इथाइल दोनों एक ही साइड पे आ गए तो आपने सिस बोल दिया, जब मिथाइल इथाइल ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए आपने क्या बोल दिया, ट्रांस, तो दैट इज अ सिस एंड ट्रांस। नाउ लेट अस सी कि इन अ रिएक्शन किस टाइप की क्लीवेज होती है, किस टाइप की फिशन होती है, ठीक, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू टाइप की फिशन होती है बेटे, वन इज होमोलिटिक फिशन एंड नेक्स्ट इज हेट्रोलिटिक, now we have hydrolytic बेटे ऑर्गेनिक में कार्बन कंपाउंड से में कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं होता, ठीक है, आयनिक इनमें सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड होते हैं या कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, इसके अलावा तो कोई नहीं होगा। अब जब ये कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है तो हो सकता है कि एक कोवलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट टू इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय ईच ऑफ द एटम, मींस अगर ये टू इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया है तो दूसरा बी ने दिया, ठीक, जब हिट्रो मतलब जो सेम नहीं है, जैसे हिट्रोजीनियस सॉल्यूशन बोलते थे, जब फिजन का मतलब है टूटना, ठीक है, कोई चीज टूट रही है, लाइसिस हो रही है उसकी, जब लाइसिस हो जाती है, सेम लाइसिस ना हो, मींस एक दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाए और एक एक भी ना लेके जाए, ठीक है, एक दोनों ले जाए और एक एक भी ना ले जाए, ऐसे काइंड ऑफ फिजन को कहते हैं, हम कहते हैं हिट्रोलिटिक फिजन। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, जब इस केस में फिजन होगी तो ये क्लोरीन है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है ना, ये जब टूटेगा तो ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले जाएगा, दिया एक क्लोरीन ने था, एक इस कार्बन ने दिया था, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3 और यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हिट्रोलिटिक फियन। जब एक कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर फियन नहीं होती, एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ले जाता है। अब ये जो चीज बनी है, दिस इज अ कार्बोकेटाइन, जनरली जब ये फ्यूजन होती हैं तो आपको कार्बोएनायन, कार्बोकेटाइन ऐसी स्पीशीज मिलती हैं, ठीक है, केटाइन्स और एनायन ही मिलने हैं ऑर्गेनिक में, क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स हैं। तो जो अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसको आप कार्बोएनायन बोलोगे या कार्बोकेटाइन्स बोलोगे, ठीक है। हमें पता है जब भी हमारी हिट्रोलिटिक फ्यूजन होती है तो हमें केटाइन्स और एनायन्स मिलते हैं, दिस वी आर अवेयर। केटाइन इज व्हाट, विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, व्हाइट कैरी पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, एनायन कैरी नेगेटिव चार्ज, व्हाइट इज कैरिंग नेगेटिव चार्ज क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया। अब जब यही पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पर्टिकुलरली कार्बन पे आ जाता है, तब हम कह जाते हैं कि ये कार्बोएनायन या कार्बोकेटाइन बन जाते हैं। तो ये जो बना है आपके सामने, दैट इज अ कार्बोकेटाइन, एंड हम आगे करते हैं, दिस इज अ टर्शियरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। ये देखो कार्बन है ना, देखो ध्यान से बोर्ड की तरफ, मेरी तरफ देखो, बोर्ड की तरफ देखो, कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ थ्री कार्बन और लगे हुए, तीन लगे हुए हैं ना, दैट इज कॉल्ड टर्शियरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। ये एक कार्बन के साथ कितने कार्बन लगे हुए हैं, थ्री, दैट इज कॉल्ड टर्शियरी कार्बोकेटाइन। तो आगे हमने करने हैं कि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट्स अभी करेंगे, तो आपको डिटेलिंग आएगी, साथ साथ थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट करो, ठीक। सो कार्बन हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, द कार्बन विच इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड अटैच टू थ्री अल्काइल ग्रुप, इट इज कॉल्ड टर्शियरी कार्बोकेटाइन, ठीक। अगर अब क्लीवेज हो जाए बेटे, फॉर एग्जाम्पल ऐसा, हमने मिथेन करी क्लास प्लस वन में, आपने मिथेन को क्लोरीन से रिएक्ट किया, क्या था रिएक्शन, एक भी नहीं करी थी, है? एक भी नहीं करवाई, डिलीट ही कर देते हैं। चलो मिथेन है, मिथेन में से ही H रिमूव होना है, लेट मी मेक लाइक दिस, अब ये जो बॉन्ड है ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये हमें पता है, ठीक। अब जब इसको लाइट देते हैं, ज्यादातर क्या, होमोलिटिक फियन मोस्टली बेटे लाइट की प्रेजेंस पे या हाई टेम्परेचर पे होती है, ठीक। तो एरो पे आप ऐसा कुछ लाइट का साइन देखोगे हमेशा, और हाई टेम्परेचर जैसे कि 773 केल्विन टेम्परेचर तक ले जाओगे तब ये फ्यूजन होती हैं, ठीक। अब ये जो फ्यूजन होगी वो क्या होगी, होमोलिटिक, होमोलिटिक का मतलब है जब ये टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके ले जाएगा, ये नहीं कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ले जाएगा, होमो मीन्स सेम, ठीक, होमो मीन्स सेम। तो यू विल गेट व्हाट, CH3 के ऊपर हम लगाएंगे डॉट, या मैं बोल लूं ये जो मैंने बनाया CH3CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट आएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन शो करोगे आप, क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको मिल गया, और हाइड्रोजन को अलग से इलेक्ट्रॉन मिल गया, मिल गया। अभी जब होमोलिटिक फ्यूजन हुई और इसको मैंने डॉट दिखाया है, इसे ऑर्गेनिक में कहते हैं फ्री रेडिकल्स, ये क्या बना है, फ्री रेडिकल। देखो ये भी, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, अगर ध्यान से देखो CH3 के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है बेटे, 2 + 2 + 2 6, और एक इलेक्ट्रॉन ये 7, 8 नहीं है पूरे, चाहिए न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि इसने किसी का इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं किया हुआ और अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया हुआ, है ये न्यूट्रल, मगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझ आ रही है। दिस काइंड ऑफ स्पीशीज इज नोन एज फ्री रेडिकल।
ओके तो उसके बाद आ जाओ बेटे अटैकिंग रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. देर आर टू टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. वन इज इलेक्ट्रोफाइल एंड अदर इज न्यूक्लियोफाइल्स. अटैकिंग रिएजेंट्स कर दो, जल्दी करो, जल्दी बुक्स में पढ़ा करो बेटे, समझा करो यहाँ पे. जब हम एल्केन करेंगे ना उसमें देखेंगे होमोलिटिक लीवेज होगी. जैसे चैप्टर करोगे ना, ये नहीं कि आप इसको क्रैम करने लग जाने हैं. डोंट क्रैम ऐसे कि ये होमोलिटिक फ्यूजन होती है. आपसे कोई नहीं पूछेगा व्हाट आर टू टाइप ऑफ फ्यूजन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ये आप अप्लाई करोगे आगे रिएक्शंस पे, आप देखोगे फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, आप देखोगे कार्बोकेटाइन्स बन रहे हैं, आप देखोगे कार्बोएनाइन्स बन रहे हैं. एनाइन्स तो हम बहुत कम बनाएंगे. फेक वन पॉजिटिव आया तू है. इसने दो थोड़ी ना दिए, इसने एक ही दिए. एक तो इसका अपना था. नो लाइब्रेरी कार्ड के आंसर. सो बेटे अटैकिंग रिएजेंट, सो दीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स. One is electrophile, one is nucleophile. There are two type of attacking reagent, electrophiles and nucleophiles. See bete, electrophiles ka matlab kya hai? File means loving. Jaise aap hydrophilic aur hydrophobic karte the. Soap detergents mein. 10th mein tha. सबको डिलीट कर दिया सीबीएसई ना. क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप नहीं था बेटे. फाइल वर्ड मींस लविंग, ठीक. जब हम इलेक्ट्रो की बात करें मींस इलेक्ट्रॉन लविंग. न्यूक्लियोफाइल मींस फाइल मींस लविंग. एंड जब हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं मींस न्यूक्लियस लविंग. Why nucleus loving? Because nucleus has proton. Ab, why a species will love an electron? Because it is deficient of electron. इलेक्ट्रोफाइल्स ही क्यों हैं? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है. मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उनको हम इलेक्ट्रोफाइल्स करेंगे. द स्पीशीज वी लव द इलेक्ट्रॉन्स विल बी डेफिनेटली बी द डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. द स्पीशीज विच विल बी हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी हेटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर लविंग न्यूक्लियस मीन्स प्रोटॉन्स, ठीक है. So electrophiles are actually the species which are in the lesser electron will be less. Jaise ki ab this electrophile can be distinguished as positive electrophiles and neutral too. In the same way, nucleophiles may be negatively charged and neutral too. अब पॉजिटिव चार्ज क्या है? जैसे कि एच के ऊपर पॉजिटिव है, ठीक है. एच के ऊपर पॉजिटिव है. हम केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पे सीएल के ऊपर भी पॉजिटिव बनाएंगे.
आपके ऐसे आइंस भी जनरेट होंगे, देन बी आर पॉजिटिव, देन आई पॉजिटिव, ये सारे बेटे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। ये कब बनेंगे? जब आप बेंजीन स्टडी करोगे दे विल फॉर्म। अब इसको क्लोराइड आयन नहीं कहोगे, दैट इज क्लोरोनियम, ब्रोमोनियम, बिकॉज इट विल कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। समझ आ रही है? दे विल बी जनरेटेड। ये जितने भी इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ये नहीं कि मैंने रिएक्शन ली, मैंने कोई रिएक्शन कर रही हूं उसमें मैंने इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो जनरेट होते हैं डिपेंडिंग आपकी जो रिएक्टेंट है वो कैसा है। अगर रिएक्टेंट इलेक्ट्रॉन रिच है, जैसे कि एल्कीन, जैसे कि एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच है। अब मैं अगर यहां पे एल्कीन बनाऊं तो इसके पास ऑलरेडी पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड छाया हुआ है। अगर इसके बाद पास में HCl लेके आऊंगी तो HCl नेगेटिव बनेगा और H क्या होगा? पॉजिटिव। तो इसके पास पहले पॉजिटिव चीज अटैक करेगी। हमने जो रिएजेंट है वो तो कंप्लीट डालते हैं। अब उसमें से अटैक कौन सा पार्ट करता है वो डिपेंड है कि आपका रिएक्टेंट कैसा है। समझ आ रही है? अब इस केस में क्या अटैक कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। क्या अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। नहीं, ये भी जो इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, ये नहीं कि आदमी पकड़ के डाल देने हैं, हमने पूरा कंपाउंड ही डालना होता है रिएक्शन मिक्सचर में। और उसमें से क्या पार्ट अटैक करेगा वो डिपेंड है कि क्या आपने ग्रुप लिया। गॉट द पॉइंट? तो इस केस में जब हम एल्कीन की रिएक्शन स्टडी करेंगे, अभी आपको ये याद नहीं होता कोई बात नहीं क्या किया है, बस आपने ये समझना है कि डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टेंट उस टाइम जो नीड होगी तो वैसा ही आपको रिएजेंट जनरेट होगा उसी टाइम। जैसे एल्कीन की केस में जो रिएजेंट अटैक करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल है, तो हम बोलेंगे एल्कीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा। कैसे करेगा? ये डबल बॉन्ड यूज कर लेगा, यहां पे एच आके लग जाएगा, यहां पे एच आके लग जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड वेयर दे विल अटैक? जिस ग्रुप्स के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड छाया होगा। समझ आ रही है? जिन ग्रुप के पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड छाया होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल या तो पॉजिटिव हो सकते हैं, हम बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल्स करेंगे, या न्यूट्रल हो सकते हैं। अब हमारी बात यह है कि हमने इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा। इक्विलिब्रियम एक कॉन्सेप्ट आता है बेटे, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट, व्हाट आर लुईस एसिड? लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स, दे आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि AlCl3, BF3। क्यों? क्योंकि ऑक्टेट इनका कंप्लीट नहीं है। अगर मैं बेटे BF3 बना दूं तो बोरोन के अराउंड कितने फ्लोरीन है? 3। बोरोन की किस ग्रुप को बिलोंग करता है? 13। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। फ्लोरीन 3 लगे हैं तो कितने अराउंड हो गए? 6। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नो। ठीक है, अगर मैं एल्युमिनियम क्लोराइड लिख दूं, एल्युमिनियम किस ग्रुप को बिलोंग करता है? इसके नीचे ही पड़ा है। अगेन 3 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, 3 के साथ बॉन्डिंग करी हुई है, टोटल 6 हो गए, 8 तो नहीं हुए, ऑक्टेट कंप्लीट तो नहीं है। मीन्स को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अभी, जिसको जरूरत है। इन केस ऑफ लुईस एसिड बेस कंसेप्ट हम बोलेंगे वो लुईस एसिड है। अब इन केस ऑफ ऑर्गेनिक, दीज आर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, दीज आर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। ये इलेक्ट्रोफाइल्स वैसे हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मगर स्टिल दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इनका ऑक्टेट ही नहीं कंप्लीट। ठीक है,
इनका ऑक्टेट ही नहीं कंप्लीट, दे नीड इलेक्ट्रॉन, तो ये वहां जाएंगे जहां पे इनको इलेक्ट्रॉन मिले। गॉट द पॉइंट? अब आ जाओ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल के टर्म से आपको पता चल रहा है जो दे डोंट नीड इलेक्ट्रॉन बिकॉज दे आर मच इलेक्ट्रॉन रिच, जैसे कि OH नेगेटिव है ना, पहले इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर इसी Cl के ऊपर मैं नेगेटिव चार्ज दिखा दूं, Br के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखा दूं, Or नेगेटिव, सो मेनी इलेक्ट्रोफाइल यू विल डू, सो मेनी। जैसे जैसे आप रिएक्शंस करोगे वैसे आप उसको समझ आने शुरू हो जाएगी, बहुत सारी इलेक्ट्रोफाइल्स आएंगी, ठीक है। मगर इलेक्ट्रो सॉरी न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स वो होंगे बेटे जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगी, जिनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे। तो उन्होंने कहां पे अटैक करना है? जहां पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे, जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा। हम आगे करेंगे जैसे कि ये न्यूक्लियोफाइल ज्यादातर काम आएंगे जब हम हेलो एल्केन करेंगे क्लास प्लस टू में, तो हम बोलेंगे हेलो एल्केन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या एल्डिहाइड कीटोन्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। उस चीज पे अटैक करेंगे, अटैक कार्बन पे ही होता है, कोई भी रिएजेंट है वो अटैक कार्बन पे ही करेगा। अब इस केस में जब मैंने एल्कीन बनाई थी तो H प्लस ने कार्बन पे आके अटैक किया था, न्यूक्लियोफाइल भी कार्बन के ऊपर ही अटैक करेगा आके, समझ आ गई। जैसे कि ये ही अगर मैंने कार्बोकेटायन बनाया था, ये कार्बोकेटायन बनाया, बन गया था। अब यहां आके एक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है, क्योंकि ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो यहां पे क्या अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, जब रिएक्शन चल रही होगी। तो ये न्यूक्लियोफाइल ऐसे नहीं बनेगा, ये भी हम NaOH की फॉर्म में रिएक्शन मिक्सचर में डालेंगे, एन ए चला जाएगा, अलग हो जाता, जब ये Cl निकला होगा ना वो NaCl बन जाता, Cl निकाला था ना पहले,